सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टायर वियर एंड देयर कॉजेस एंड व्हाट इज रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ओके, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टायर इन्फ्लेशन प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर टायर लाइफ ऑल्सो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो टायर वियर एंड देयर कॉजेज, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि टायर के वियर जो होते हैं उसका घिसना होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और उससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस किस तरह के हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं और हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस तरह से टायर के घिसने का क्या मतलब होता है, हम इसको डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। टू लिटिल टायर ट्रेड कैन क्रिएट अनसेफ ड्राइविंग कंडीशन। तो देखिए, आप सब कोई ना कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं और जब आपका टायर घिस जाता है तो हम मानते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि हम इस चीज़ को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। व्हेन टायर कैन नॉट ग्रिप द रोड, अ ड्राइवर मे लूज कंट्रोल ऑफ हिज और हर व्हीकल। तो क्या होगा, यदि मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और टायर की ग्रिप अच्छी नहीं है तो क्या होगा, आप अपना कंट्रोल खो देंगे। कंट्रोल मतलब क्या है, जब आप स्टेयर कर रहे हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट में नहीं मुड़ेगा, जब आप उसको रोकना चाह रहे हैं तब वो रुकेगा नहीं, यानी जब आप उसको अपने पूरे तरह से कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो गाड़ी होगी वो आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ठीक है। व्हेन रोड्स आर वेट और स्नोई, टायर ट्रेड डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आप यदि हम बात करते हैं नॉर्मल हाईवे पे चल रहे हैं, आपका टायर थोड़ा घिसा भी हुआ है तो चल जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए हम वेट कंडीशंस की बात करते हैं, स्लिपरी कंडीशंस की बात करते हैं, तो हमें उस समय में हमारे टायर की जो ट्रेड की डेप्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। और आप देखते भी होंगे कि बरसात के अंदर में गाड़ी स्लिप होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नया टायर होगा तो बहुत फिर भी अच्छी ग्रिप मिल जाएगी आपको, लेकिन यदि टायर वर्न आउट हो रखा होगा तो बहुत चांसेस हैं कि स्किडिंग हो जाए, और खासकर टू व्हीलर्स के अंदर में तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लेवल पर हमारे लोग गिरते हैं। इवन यदि कहीं पर ऑयली सरफेस है, ठीक है, या फिर कहीं पर छोटे छोटे ग्रैनुल्स पड़े हुए हैं, बजरी पड़ी हुई है, तो वहां पर हमारा टायर फटाफट स्लिप हो जाता है क्योंकि टायर ट्रेड उसमें कम होते हैं। Then, anytime precipitation gets between your tires and roads, you need the tread to cut through it and maintain as much as contact with the road surface as possible. तो देखिए, बहुत जगह पर आपको क्या होता है, टायर के और रोड की सरफेस के बीच में क्या होगा, precipitation मिलेगा, ठीक है, नमी मिलेगी, तो वो हमें चाहिए कि हम उसको कट करें, उस नमी या कोई भी एक लेयर है यदि वाटर की, तो हम उसको कट करें और हमारी जो टायर की ग्रिप है वो सीधे रोड के साथ बने, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टायर के बीच में जो ग्रूव्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जो कि उसको कट कर सकें, जो आपके पास बीच में जो भी वेट सरफेस है उसको कट करके और ग्रिप को अच्छी कर सकें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। द मोर शैलो योर ट्रेड, द मोर इजीली यू मे लूज ट्रैक्शन व्हेन ड्राइविंग इन वेट और स्नो, रिड्यूस स्पीड इन दोज कंडीशंस हेल्प यू मेंटेन ग्रिप। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास में आपका टायर घिसता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका जो ट्रैक्शन है, जो ग्रिप है, वो क्या हो जाएगी, कम पड़ती जाएगी आपकी रोड के साथ में, और ये ज्यादा हो जाएगा कब, जब आप वेट कंडीशन या बर्फीले इलाकों की बात करेंगे। तो इसको हमें क्या करना चाहिए उस केस के लिए, कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड रिड्यूस कर देनी चाहिए, जिससे हम क्या है थोड़ा बेटर ट्रैक्शन कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब आप गाड़ी को तेज चलाते हैं तो गाड़ी की टायर की ग्रिप रोड के साथ बहुत हद तक नहीं रह पाती है, वो काफी हवा में चलने लग जाती है, लेकिन आप जब गाड़ी को धीरे चलाते हैं तो आपकी गाड़ी सरफेस पे काफी अच्छे से ग्रिप बना के आगे चलती है। राइट साइड में आप यदि एक डायग्राम देख पा रहे हैं तो एक सजेशन दिया हुआ है टायर्स के लिए, यदि आपके पास टायर की ट्रेड 2-13 mm तक है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज इन गुड कंडीशन। ठीक है। यदि आप फोर व्हीलर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसकी टायर की बात कर रहे हैं, तो यदि आप यहाँ से ट्रेड की डेप्थ को नापेंगे, बाहर की सरफेस से अंदर की डेप्थ को, तो आप यदि पाएंगे कि आपके नए टायर में लगभग 12-13 mm की डेप्थ आपको मिलती है। यदि ये ट्रेड आपके पास डेप्थ है तो अच्छी बात है, घिसते घिसते यदि ये 4 mm तक आ गई है तो आप कह सकते हैं कि यहां तक आप उसको यूज कर सकते हैं, इट मे कॉल इन नॉर्मल और गुड कंडीशन। ठीक है। जैसे ही आपके पास 2 से रिड्यूस हो जाती है और 4 तक आ जाती है, यानी टायर का आपको कुछ इस तरीके का शेप नजर आने लगता है, इस तरीके की क्वालिटी दिखने लगती है, जब आपके ट्रेड की डेप्थ जो है 2-4 mm रह जाती है, तो आपके पास एक वार्निंग टाइम है कि अब आप क्या करिए, आप रिप्लेस कर दीजिए टायर को जितना जल्दी हो सके। यानी कि मान लीजिए आप थोड़ा बहुत चल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग ड्राइव पे मत जाइए, सिटी ड्राइव
फिर भी चलेगी, सेफ है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो आप तुरंत से इस टायर को चेंज कर दीजिए। और यदि मान लीजिए आपकी टायर की ट्रेड 2 से भी कम आ गई है, 2 mm से भी कम बची, आपका टायर लगभग लगभग वॉर्न आउट हो चुका है, हम नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं टायर गंजा होना, टायर गंजा होना मतलब क्या होता है, बिल्कुल ट्रेड का हट जाना, तो यदि आपके पास ट्रेड लगभग घिस चुकी है तो आप ये मान के चलिए कि आप कहीं भी गाड़ी में चलिए, ना सिटी में ना कहीं पर भी, आप तुरंत से टायर को चेंज कराइए, अदरवाइज किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट हो सकता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरीके के हमें प्रॉब्लम्स इन तरह के टायर से होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर इन्फ्लेशन। तो कारण क्या क्या है बेसिकली, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो हम फटाफट से इसको देख लेते हैं। टायर इन्फ्लेशन प्रेशर, कि हम यदि हमारे टायर में प्रेशर कम या ज्यादा है तो हमारे पास में टायर का वियर बढ़ जाता है। तो हम पहले बात करते हैं ओवर इन्फ्लेशन की, जब हम टायर में ज्यादा हवा भरते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अंडर इन्फ्लेशन और ओवर इन्फ्लेशन, ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स लीड्स टू रैपिड वियर एट द सेंटर। तो हमने बात करी थी कि जब भी आप ज्यादा टायर में हवा भरेंगे तो सेंटर से वियरिंग ज्यादा होगी। ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स मे ब्रस्ट व्हेन स्ट्राइक टू एनी शार्प ऑब्जेक्ट। तो यदि मान लीजिए ज्यादा आपके पास हवा भरी हुई है और सामने से कोई चीज टकरा जाती है, कोई पैनी चीज या कोई पत्थर, तो क्या होगा, आपका टायर फूट सकता है उस केस में, बिकॉज अंदर बहुत हाई प्रेशर पहले से ही है और जो आपकी चीज टकराई है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके इस टायर में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओवर एक्सपेंडेड, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये टायर फट सकता है। सो प्लीज डोंट ओवर इन्फ्लेट योर टायर्स। ओके, एबनॉर्मल स्ट्रेसेस इन ट्रेड एरियाज मे कॉज ट्रेड सेपरेशन, स्प्लाई सेपरेशन और ट्रेड क्रैकिंग। तो देखिए, आप यहाँ पर ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेड है, ट्रेड के अंदर में आपके पास क्या थी, लाइनिंग्स थी, फाइबर लाइनिंग्स थी, आपके पास प्लाई थी, कारकस था, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, एडिशनली स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगी, उनके अंदर में एबनॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। उसके कारण से क्या होगा, वो जो हमने चिपकाई थी, हम जो एक ट्रेड होता है उसको क्या करते हैं, हम टायर के साथ में चिपकाते हैं, इसी तरह से अंदर कारकस की लेयर्स होती है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती है, तो यदि हम ओवर इन्फ्लेटेड करेंगे तो ये सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी और इसकी वजह से आपके टायर में क्रैक्स आ सकते हैं, पेरिफेरी पे भी आ सकते हैं, साइड क्रैक्स भी आ सकते हैं। ओके, देन लो कुशनिंग लीड्स टू हार्श राइड। यदि आप कभी देखेंगे आपने बहुत ज्यादा हवा भर के चला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये, और आपको बहुत ज्यादा झटके लगेंगे, क्यों, क्योंकि जितने भी झटके इस टायर को लेने चाहिए थे वो क्या कर रहा है, सारे ट्रांसफर कर देगा अंदर के बॉडी के अंदर में, तो इसीलिए हमें ज्यादा ओवर इन्फ्लेटेड टायर नहीं करना चाहिए। हाई रिस्क ऑफ स्किडिंग, यदि मान लीजिए आप ज्यादा हवा भर के चल रहे हैं तो आप टर्न्स पे स्किड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, और ये बहुत रिस्की होता है, इसीलिए डोंट गो फॉर ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स। देन इफ यू विल गो फॉर अंडर इन्फ्लेटेड, यदि मान लीजिए हवा कम है तो क्या प्रॉब्लम होगी, एक्सेसिव फ्लेक्सिंग लीड्स टू इररिपेरेबल डैमेज ऑफ कारकस। हमने लास्ट टाइम में भी बात की थी, यदि मान लीजिए आपकी हवा कम है तो क्या होगा, ये दोनों साइड से ज्यादा टच होगा और आपका जो कारकस है अंदर का वो इंटरनल डैमेज का शिकार हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल तो आपको दिखता है लेकिन इंटरनल जो अंदर की तरफ से यदि रप्चर हो गया टायर तो आपको दिखेगा भी नहीं और वो कब फट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इट इज विजिबल विद साइड वॉल क्रैकिंग। तो आप देखेंगे जब आप कम हवा में गाड़ी चलाते हैं तो साइड से आपको क्रैक नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि रिम जो होती है वो सीधे क्या करती है, नीचे तक टच होने की कोशिश करती है, जो साइड वॉल्स हैं वहां पे क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। देन मोर ट्रेड वियर ऑन साइड देन सेंटर। तो यहाँ पर आप इस तरह में देखेंगे तो साइड्स में ज्यादा क्रैक्स मिलेंगे आपको बजाय सेंटर के। तो यदि आपका वियरिंग जो है साइड्स में ज्यादा है टायर का, तो आप समझ जाइए आप ज्यादा गाड़ी को अंडर इन्फ्लेटेड चलाते हैं, कम हवा में चलाते हैं। रिम ब्रूस, एक रिम ब्रूस की एक प्रॉब्लम होती है। रिम ब्रूस क्या होता है, यदि आप मान लीजिए कम हवा में गाड़ी को चला रहे हैं और कोई पत्थर आ जाता है, तो चाहिए ये था कि आपका टायर जो है उसको पहले उसका उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता, उसको रोकता, लेकिन क्या होता है कि यदि अंडर इन्फ्लेटेड टायर है तो वो सीधे जाकर के रिम को हिट करता है और रिम को क्या डैमेज कर देता है उसकी साइड वॉल्स को, तो दैट इज कॉल्ड रिम ब्रूस। सो रिम ब्रूस व्हेन हिट द टायर बिटवीन द साइड वॉल्स एंड द रिम, सो ये एक और प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, इट कम्स इन अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर। नेक्स्ट इज ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो टायर की दूसरी जो जल्दी वियरिंग का कारण क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया कि जितने के लिए हमने टायर डिजाइन किया है, यदि हम उससे ज्यादा उसमें लोड लगाएंगे तो भी आपके पास में वियरिंग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग एक फोर व्हीलर की बात करें, वो 5 लोगों के लिए RTO अप्रूव होता है, यानी RTO उसको पास करता है, लेकिन आप 5 से यदि ज्यादा बैठते हैं तो उसमें लोड बढ़ जाता है, आप उसमें सामान ज्यादा भर देते हैं तो भी उसमें लोड बढ़ जाता है, और आप उसी कंडीशन में उस गाड़ी को हमेशा चलाते हैं, ज्यादातर चलाते हैं, तो क्या होगा, आपके टायर जो होंगे वो जल्दी घिस जाएंगे,
ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कि क्यों घुस जाएंगे। इनसफिशियंट एयर टू सपोर्ट डेड लोड विच कंक्लूड एज ए अंडर इन्फ्लेटेड एंड रिड्यूस टायर माइलेज। तो क्या होगा, आप ज्यादा लोड लगाएंगे तो क्या होगा, आपका टायर ज्यादा अंदर की तरफ नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये बिल्कुल वही कंडीशन हो गई जो आपके पास अंडर इन्फ्लेशन की कंडीशन होती थी, और अंडर इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम थे वो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोड ज्यादा लगाएंगे तो आपका टायर नीचे की तरफ दबेगा और ये अंडर इन्फ्लेशन होगा, और इससे क्या होगा, टायर की लाइफ आपकी कम हो जाएगी। रेमेडी इज नॉट ओवर इन्फ्लेशन बट चूज बिगर टायर। तो यदि हम ये बात करें कि ठीक है सर, हमने क्या किया, हमने टायर दब रहा है हमारा, ज्यादा लोड भर दिया, तो ऐसा करो टायर में हवा ज्यादा भर देते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि यदि आपने ज्यादा हवा भरी तो क्या हो सकता है, टायर फूट सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रॉपर चॉइस फॉर दैट लोड। आपने जो टायर लगा रखा है वो उस लोड के लिए डिजाइन नहीं है, आप उसमें ज्यादा हवा भरेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप वहां पर बड़े साइज का टायर लगाइए, एप्रोप्रिएट जो साइज है उसका टायर लगाइए, तो उससे आप ज्यादा लोड को ले पाएंगे, राइट। फोर्थ जो पैरामीटर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग हम जानते हैं हवा को निकालना, उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, हमने पंप में भी ये वर्ड सुन रखा है, ब्लीडिंग करना, तो जो एयर ट्रैप होती है उसको ब्लीड करना। तो सेम चीज हमारे पास टायर में भी होती है। तो लेट्स सी, टायर प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन एयर गेट्स हीटेड इनसाइड। तो जब जब टायर आपका लगातार काफी लॉन्ग रन पे चलता है तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और उसके अंदर जो एयर होती है वो भी टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है। ड्राइवर यूज टू ब्लीड सम एयर टू ओवर प्रेशर प्रॉब्लम। तो क्या करता है, जो ड्राइवर्स होते हैं, कई लोग जो लॉन्ग राइड पे चलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यदि हम थोड़ी सी हवा को निकाल देंगे तो प्रेशर वापस से कम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जब गाड़ी चलाने के लिए उसने स्टार्ट करी, टायर में एप्रोप्रिएट प्रेशर था, उसने चेक किया सब कुछ सही था, लेकिन यदि वो मान लीजिए 400 किलोमीटर चला जाता है लगातार हाईवे पे, और फिर वो यदि देखता है कि टायर इन्फ्लेट हो गए हैं, ज्यादा फूल गए हैं, तो क्या करेगा वो, उस केस में वो थोड़ी सी हवा निकाल करके वापस नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा सही नहीं है। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ एयर द रेजिडुअल एयर विल गेट मोर हीटेड एज वेल एज द प्रेशर गेट इंक्रीज। तो ऐसा होगा कि यदि आपने हवा कम करी तो उसके बजाय प्रेशर कम होने के बजाय और टेम्परेचर कम होने के बजाय और ज्यादा ओवर हीटिंग मिलेगी आपको, क्योंकि अंदर कम हवा बची है, तो वो जो टेम्परेचर को पहले ज्यादा हवा ले रही थी अब उसको कम हवा को गेन करना पड़ेगा, और उससे वापस से ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा और हीट भी बढ़ेगी। तो वी कैन नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन कि आपको हवा ब्लीड नहीं करनी चाहिए। हेंस ब्लीडिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस द टायर प्रेशर बट टू कीप देम इन नॉर्मल टेम्परेचर। तो आप क्या करिए, आप टेम्परेचर को मेंटेन करिए, इट मीन्स आप कुछ कुछ टाइम के बाद ब्रेक्स लेते रहिए, गाड़ी को रोकते रहिए, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो टायर हैं वो वापस से ठंडे हो सके, ठीक है। इवन समटाइम्स ड्राइवर फॉरगेट टू इन्फ्लेट द टायर अगेन आफ्टर ब्लीडिंग विच कॉज अंडर इन्फ्लेशन कंडीशन। तो क्या होता है, कई बार टायर में हवा तो कम करते जाते हैं ड्राइवर, बोलते हैं कि ठीक है प्रेशर मेंटेन हो गया, लेकिन जब वो रात को गाड़ी खड़ी करते हैं, अगले दिन वापस गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके टायर में उन्हें हवा निकाल दी थी, और वो कंडीशन ऑटोमेटिकली अंडर इन्फ्लेशन की कंडीशन में आ गई है। यानी टायर आप कम हवा में चला रहे हैं, क्योंकि अगले दिन तो वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे टायर है, तो अंदर की हवा ठंडी हो चुकी है, तो वापस से प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो चुका है। तो ये भी एक रिस्क रहता है कि वापस से हवा भरना पड़ता है जब जब आप ब्लीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सजेस्टेड नहीं है, ओके। और यदि हम यहाँ पर एक डायग्राम से देखें कि किस किस तरह के हमें वियर देखने को मिलते हैं, तो आप सबसे लेफ्ट में देख रहे हैं टो वियर, ठीक है। तो टो वियर का मतलब क्या है, आप देखेंगे किसी एक साइड में वियरिंग आपको ज्यादा दिख रही है, आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख रहे हैं टायर को, ये ज्यादा वियर दिख रहा है। तो ये किस कारण से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट प्रॉब्लम। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि यदि गाड़ी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, हम अलाइनमेंट जब हम स्टीयरिंग पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैम्बर कैस्टर टो इन टो आउट ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अलाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि गाड़ी का जो आपका ओरिएंटेशन है, गाड़ी के जो व्हील्स का ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है जितना उसको रहना चाहिए, जिस एंगल पे उसको रहना चाहिए। तो समझ लीजिए कि यदि अलाइनमेंट डिस्टर्ब है और गाड़ी का लोड इस तरफ में ज्यादा पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा, टो इन की कंडीशन कहलाती है, जब आपके पास में आगे से टायर क्या होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, दैट इज कॉल्ड टो इन, और यदि आगे के टायर क्या होते हैं बाहर की साइड निकले हुए रहते हैं दोनों, तो दैट इज कॉल्ड टो आउट कंडीशन। तो टो इन कंडीशन यदि होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अंदर से टायर दोनों ज्यादा घिसते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अंदर का टायर का आपको दिखा रखा है, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये ज्यादा घिसी हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको टो को सही करना पड़ेगा। सिमिलरली यदि हम बात करें कैम्बर वियर, तो अगेन एक तरह से ये भी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। यदि कैम्बर एंगल आपने ज्यादा रख लिया तो आप देखेंगे कि आपका जो टायर है वो वापस से क्या कर रहा है, एक तरफ से ग्रेजुअली घिसता हुआ जा रहा है और इधर सबसे ज्यादा घिस रहा है,
यहाँ तो आपको सिर्फ एक साइड दिख रही थी, यहाँ पर आपको एक ग्रेजुअली क्या हो रहा है, घिसता हुआ दिख रहा है टायर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कैम्बर, ठीक है। थर्ड वन इज सेंटर वियर, ठीक है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि टायर सेंटर से ज्यादा घिस रहा है इसका मतलब आप ओवर इन्फ्लेटेड टायर चला रहे हैं, हवा ज्यादा है आपके टायर्स में, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज कॉल्ड सेंटर वियर। देन वी कैन से एज वियर्स, यदि मान लीजिए दोनों साइड की एजेस आपकी ज्यादा वियर हो रही हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सा है तो आप अंडर इन्फ्लेटेड यानी कम हवा में गाड़ी को चला रहे हैं, उसी की वजह से आपके साइड्स जो होती हैं वो जल्दी घिस जाती हैं, ठीक है। देन वी हैव पैच वियर, पैच वियर का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं से आपके पास टायर घिसा हुआ मिलेगा, ना तो वो साइड से घिसेगा, ना बीच से, ना सेंटर से, उसमें कहीं कहीं पैचेस में वो टायर घिसा हुआ है, और यदि जब भी गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ आउट ऑफ बैलेंस कंडीशन, तो जब जब गाड़ी का बैलेंस खराब होता है उस वजह से क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके उस गाड़ी पे ज्यादा लोड पड़ रहा होता है, तो वहां वहां से वो क्या करता है, टायर पर्टिकुलरली ज्यादा घिसने लग जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ आउट बैलेंस, ठीक है। देन द लास्ट वन इज कप वियर, कप वियर क्या होता है, डायगोनली होता है, आपने देखेंगे इसके अंदर में, तो डायगोनली आपको वियरिंग दिख रही है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ बैंड और वॉर्न आउट ऑफ सस्पेंशन। यदि मान लीजिए आपका सस्पेंशन जो सिस्टम है, भले ही लीफ स्प्रिंग है, भले ही आप कॉइल स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, भले ही आप एब्जॉर्बर्स यूज कर रहे हैं, तो वो यदि जब आपके पास में वियर आउट हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है, तो क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, लगातार, क्योंकि एक पूरा सर्कल के बाद आपका टायर वापस वहीं आ जाता है और वो सस्पेंशन उसको उसी तरह से बिहेव करता है, तो ये जो तरह के आपके पास में वियरिंग होता है ये डायगोनली होता है, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, तो इस तरह के यदि आपको बियरिंग मिल रहा है इसका मतलब आपको चेक करना चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक तरह से यदि आप टायर के डॉक्टर कहलाएंगे तो आप ये सब देख करके बता सकते हैं कि एक्चुअली गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, टायर वियर एंड देयर कॉजेज, व्हीकल मेंटेनेंस, इनके अलावा क्या कारण होते हैं कि यदि आप गाड़ी का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं कराते हैं। मेंटेनेंस से मतलब क्या है कि सबसे पहले हम बात करें व्हील अलाइनमेंट, कैम्बर एंड कैस्टर, ये हमने अभी बात करी है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग स्टीयरिंग पढ़ेंगे। तो यदि आपने व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रखा है, गाड़ी का कैम्बर कैस्टर एंगल प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, आपके टायर का वियर जल्दी जल्दी होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। आपसे सजेस्ट किया जाता है कि कुछ किलोमीटर के बाद आपको अपने व्हील एडजस्टमेंट करा लेने चाहिए, आपको अपने व्हील अलाइनमेंट करा लेना चाहिए, तो हमेशा बैलेंसिंग और अलाइनमेंट आपको 6 महीने से 1 साल के बीच में अपनी गाड़ी की कराते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी क्या होती है, लगातार कई गड्ढों को बियर करती है, कई बार किसी चीज के ऊपर चढ़ती है, कई बार किसी गड्ढे में कूदती है, तो उनका धीरे धीरे अलाइनमेंट बैलेंस खराब हो जाता है, तो हम जब एक बार उसको वापस बैलेंस करा लेते हैं तो ये सारी चीजें वापस से ठीक हो जाती हैं। देन ब्रेक एडजस्टमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर टायर वियर। तो होता क्या है, यदि आपने ब्रेक्स जो है बहुत ज्यादा हार्ड लगा दिए हैं, मान लीजिए आपने जब ब्रेक्स को एडजस्ट किया, आप देखते होंगे कि कार के अंदर में या बाइक्स के अंदर में भी आपका जो ब्रेक होता है कई बार वो, तो जब आप ब्रेक नहीं लगा रहे होते हैं तभी भी वो क्या होता है, आपका जो व्हील है वो बहुत टाइट चल रहा होता है और जो ब्रेक्स हैं वो सीधे क्या करते हैं, आपके टायर को डैमेज करने का काम करते हैं, तो इसीलिए आपके ब्रेक्स का एडजस्टमेंट भी बहुत होना जरूरी है। देन वी हैव मैचिंग एंड स्पेसिंग द ड्वेल टायर्स। तो ड्वेल टायर का क्या मतलब होता है, जब दो पहिए एक साथ लगे होते हैं तो आपने देखा होगा टायर्स जो होते हैं बड़े बड़े ट्रकों के, पीछे के पहिए सिंगल नहीं होते हैं, वहां दो टायर्स एक साथ घूम रहे होते हैं रेयर के, तो वो जब दो टायर एक साथ हम लगाते हैं तो बहुत जरूरी है कि वो दोनों टायर्स प्रॉपर हों, मतलब प्रॉपर साइज के हों, यदि थोड़ा भी एक कम ज्यादा होगा तो दूसरा टायर फटाफट से घिस जाएगा क्योंकि उसमें बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होगी। दूसरा, यदि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर नहीं रखते हैं, यदि वो कम होता है या ज्यादा होता है तो दोनों ही हमारे लिए प्रॉपर टायर वियर बढ़ाते हैं, तो हमारे को डिस्टेंस और जो उसका मैचिंग है वो प्रॉपर रखना पड़ता है इन केस ऑफ ड्वेल टायर, जब भी हम दो टायर एक साथ यूज करते हैं। ओके, देन मैनर ऑफ ड्राइविंग, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि यदि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं इस पर भी टायर का वियरिंग बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है आपके पिताजी जो गाड़ी चलाते हैं वो मान लीजिए 70-80 हजार किलोमीटर तक टायर चेंज नहीं कराते हैं क्योंकि उनकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं, और वही गाड़ी हम जब चलाते हैं तो हो सकता है 50-60 हजार किलोमीटर के बाद हमारे टायर पूरे घिस जाएं, तो ये ड्राइविंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। एक्सेसिव स्पीडिंग, क्विक स्टार्ट एंड सडन स्टॉप्स कॉजेस फास्टर ट्रेड वियर्स। तो हम क्या करते हैं, एकदम से गाड़ी को दौड़ाते हैं, स्पीड देते हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं, रेस देते हैं, ब्रेक लगाते हैं, कट्स लेते हैं लेफ्ट राइट, इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। देन केयरलेस पार्किंग में लीड्स टू कर्बिंग व्हेन साइड वॉल गेज द पेवमेंट एंड गेट डैमेज। तो क्या होता है, यदि हम पार्किंग करते हैं गाड़ी को, कभी कभी आपने देखा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, साइड में कोई चीज लगी हुई है या फिर पेवमेंट लगा हुआ है, कोई कॉन्क्रीट की कोई चीज लगी हुई है,
तो हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी का जो टायर होता है वो थोड़ा सा साइड पे चढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है आपकी जो साइड वॉल्स हैं, मतलब होना ये चाहिए था कि आपकी जितना भी लोड आ रहा है वो पेरिफेरी पर आए, लेकिन यदि आपने मान लीजिए इस तरह से किसी ऑब्स्टिकल को हिट किया है तो आपकी साइड वॉल्स डैमेज हो जाती हैं एंड दैट इज कार्पिंग। ठीक है, तो ये एक और ड्राइविंग के अंदर ही आता है कि आप यदि प्रॉपर वे में नहीं चलाएंगे तो आप गाड़ी के टायर्स को डैमेज कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं टायर की लाइफ के, दैट इज फर्स्ट इज हीट। तो गर्मी की वजह से टायर की लाइफ बहुत डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बात करें कि हम एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो टायर का जो रबर होता है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन हम जैसे जैसे मोर हीटेड एरियाज में जाते हैं, मान लीजिए हम डेजर्ट्स में गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए हम अफ्रीका में गाड़ी को चला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिकली हीट ज़्यादा होगी और आपके जो टायर की लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो ड्यू टू अंडर और ओवर इन्फ्लेशन, हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, मोर ब्रेक एप्लीकेशन, तो ये कारण है जिसकी वजह से हीट ज़्यादा होती है। तो आपको बताया कि अंडर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन दोनों से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हाई एटमोस्फेरिक कंडीशन, इसमें हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये रहेगी। टेम्परेचर, मोर ब्रेकिंग एप्लीकेशन, यदि हम मान लीजिए गाड़ी को बार बार ब्रेक लगा रहे हैं तो भी आपका टायर क्या होगा, जल्दी वियर आउट होगा। यदि आप सिटी में एक टायर को चलाते हैं, एक हाईवे पे चलाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो टायर सिटी में चल रहा है वो जल्दी घिसेगा, बिकॉज क्या हो रहा है, बार बार उसमें ब्रेकिंग लगा रहे हैं, बार बार आप उसमें रेस दे रहे हैं, तो वो जल्दी आपका वियर आउट हो जाएगा। और एक वही टायर आपका यदि हाईवे पे चल रहा है तो वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ दे सकता है। ठीक है, इट लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ रबर, तो क्या होगा इससे केस, जैसे हम हीट अप करेंगे टायर को तो उससे जो रबर होगा वो सॉफ्टनिंग हो जाएगा, और सॉफ्ट होने से प्रॉब्लम क्या आएगी, फास्टर ट्रेड वियर, तो जो ट्रेड्स हैं उसमें ऊपर की जो लेयर है वो जल्दी घिस जाएगी, तो रबर सॉफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके टायर जल्दी वियर आउट हो जाएंगे। दूसरा है लो स्ट्रेंथ ऑफ प्लाई कॉर्ड, तो अभी हमने बात करी थी कि उसमें नायलॉन के कॉर्ड्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि नायलॉन इज अ काइंड ऑफ यू नो पॉलीमर, तो जब हम उसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है वो पूरी एक लेयर कवर करके रखती है टायर को, तो यदि वो लूज हो जाएगी तो बाहर से यदि कोई भी इम्पैक्ट आता है तो क्या होगा, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो सीधे अंदर घुस जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास उनकी भी कैपेसिटी कम हो जाती है। थर्ड इज बॉन्ड बिटवीन ट्रेड एंड प्लाइज गेट वीक, तो हमने बात करी कि जब हम इसको टायर को बनाते हैं तो हम उनको ग्लू करते हैं, हम उनको आपस में सबको चिपकाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है गर्मी के साथ साथ में, ओवर हीटिंग के साथ साथ में, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है वो टायर जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रेडियल साइड वॉल क्रैकिंग, तो आप देखेंगे सेंटर से निकलती हुई बाहर की तरफ लाइन, दैट इज कॉल्ड रेडियल, तो ये जो रेडियल साइड वॉल क्रैकिंग है वो आपको साइड वॉल्स पे नजर आने लगेगी, साइड्स क्रैक नजर आने लगेगी, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग। ठीक है, एंड देन इज रोड कंडीशन एंड सीजन्स, तो देखिए कई बार रोड कंडीशन कैसी होती है, आप मान लीजिए बिल्कुल किसी पथरीले इलाके में गाड़ी चला रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपके टायर की लाइफ कम होनी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कंडीशन जो है वो खराब है, या टूटी फूटी रोडों पर आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपकी टायर की लाइफ कम हो जाएगी। इसी तरह से सीजन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के सीजन में आप गाड़ी को चला रहे हैं, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, स्नो है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर जो टायर होता है उसकी लाइफ डिपेंड करती है और उसकी वियरिंग एंड टियरिंग उस पर डिपेंड करती है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट इज टायर रिट्रेडिंग, तो आप सबने सुन रखा होगा टायर रिट्रेडिंग करना, यानी कि टायर पे वापस से जो ट्रेड है उसको चढ़ाना, उसको हम जब हमारे घिस जाते हैं तो हम उसी टायर को क्या करते हैं वापस रिपेयर करके और उसके ऊपर में टायर की रिट्रेडिंग कर देते हैं, तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना है बड़े बड़े व्हीकल्स के लिए, बड़े बड़ी बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए, छोटी गाड़ियों में इनको प्रीफर नहीं किया जाता क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वी शुड नॉट प्रीफर कि हम लोग 4,000, 3,500 की रेंज के अंदर में हमें एक नया टायर मिल जाता है और फिर हम रिट्रेडिंग कराते हैं तो हमें उतना इकोनॉमिकल नहीं रहता है। राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिट्रेडिंग। रिट्रेडिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन यूज अवर ओल्ड टायर्स, तो आपके पास मान लीजिए एक टायर है वो घिस चुका है, आप उससे 80,000 1,00,000 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी को और लगभग उसकी जो ट्रेड्स हैं वो 2 mm से भी कम हो चुकी है, तो ऐसे टायर्स को आप क्या करा सकते हैं, वापस रिट्रेड करा सकते हैं, ओल्ड टायर्स को यूज कर सकते हैं। इन दिस मेथड अ वॉर्म केसिंग ऑफ अ टायर दैट हैज गुड स्ट्रक्चरल क्वालिटी इज टेकन ऑफ एंड पुट थ्रू ए प्रोसेस इन विच इट गेट कम्प्लीटली रिन्यूड ट्रेड एंड साइडवॉल रबर्स, तो होता क्या है कि जो टायर सही कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि हम हर टायर को रिट्रेड कर सकते हैं, हमें अभी हम देखेंगे स्टेप्स
उसमें जब भी टायर आप लेते हैं तो सबसे पहले यह चेक करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी सही है या नहीं है। मान लीजिए उसमें बहुत डैमेज हो रखा है, बहुत तरह के उसमें छेद हो रखे हैं, बहुत जगह से उसमें पंचर हो रखा है और कई जगह से उसका मटेरियल रिमूव हो रखा है, तो ऐसे टायर को हम रिपेयर नहीं करते हैं। व्हाट वी आर टेकिंग इज कि जो टायर की कंडीशन अच्छी है, सिर्फ उसके ट्रेड घिसे हुए हैं या साइड वॉल घिसी हुई है, हम उसी को रिपेयरिंग के लिए लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट द रैम्प्ड टायर इज टेकन फॉरवर्डेड फॉर क्यूरिंग प्रोसेस इन विच न्यू रबर इज वल्केनाइज्ड टू द ओरिजिनल केसिंग एंड हेंस द टायर गेट्स अ न्यूली मेड ट्रेड पैटर्न। ठीक है, तो होता क्या है आपको, जब आप अभी हम इसका पूरा डिटेल स्टेप समझेंगे, तो जब आपके पास टायर आता है, हम उसके पूरे पुराने को निकालते हैं, उसके ऊपर में वापस से नई लेयर चढ़ाते हैं, जहां जहां से रिपेयरिंग जरूरत है वहां पे हम रिपेयर करते हैं और वापस से क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हम बॉन्डिंग करते हैं वापस से रबर की। ठीक है, सो हम उस चीज को भी देखेंगे। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर टायर रिट्रेडिंग। क्यों करते हैं, फायदा क्या है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिट्रेड्स आर क्वाइट सेफ एंड आर बीइंग यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स नाउडेज। तो क्या हो गया, धीरे धीरे हमें इससे नुकसान कुछ भी नहीं है और हम धीरे धीरे लगभग सभी व्हीकल्स की ट्रेडिंग को टायर्स को रिट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है या नहीं है, लेकिन नाउडेज इट इज द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, तो आप किसी भी टायर की ट्रेड को रिट्रेड कर सकते हैं। मे इट बी टैक्सीज और ट्रक, स्कूल बसेज, मिलिट्री व्हीकल्स, रिट्रेड इज being used in all of them। तो ज्यादातर हमने बात करी कि बड़े के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं, बाकी आप चाहें तो छोटी गाड़ी में भी टायर को रिट्रेड करा सकते हैं। ओके, रिट्रेडिंग इज हाईली एनवायरमेंटल फ्री। क्यों बोल रहे हैं एनवायरमेंटल फ्री, क्योंकि आप सोचिए कि एक टायर जब आपका वॉर्न आउट हो जाता है तो कितने टायर आप अपने आसपास में देखते हैं, कितने खराब टायर हमारे पास पास में पड़े होते हैं और उनसे कितना पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, यदि हम जलाएंगे तो पॉल्यूशन फैलता है, यदि हम उनको दबाएंगे तो भी पॉल्यूशन फैलेगा। ठीक है, तो उनको रिसाइकिल करके पहले के टाइम में उनसे तेल निकाला जाता था, बट अब ही गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन लगा दिया है। वरना पहले क्या होता था, ये जितने भी टायर आपके वॉर्न आउट होते थे इनको भी लोग खरीद लेते थे, पुराने टायरों को, और ये फैक्ट्रीज में जाते थे और इनको क्रश करके और कई सारे प्रोसेस करके इनमें से तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यदि हम रिट्रेड कर पाते हैं टायर को तो हमारे लिए बहुत एनवायरमेंट सेफ रहता है। When the existing tire are made ready for the use further, the manufacturer saves landfill space. तो क्या हो गया, वही अभी हमने बात करी कि जो हमारे टायर बेकार हो जाते थे उनको हमें क्या करता था, लैंडफिल में यूज करते थे, यानी कि खाली जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको लैंडफिल बोलते हैं, वहां पर हम कचरा डंप करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डंप यार्ड, वहां पर हम लैंडफिलिंग के काम में लेते हैं इनको। ठीक है, तो उससे हम बच जाते हैं। ऑल्सो इट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड सेव्स मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ऑयल विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू टायर। देखिए, एक फायदा तो ये हुआ कि हमने उसको फेंक करके और एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं किया। दूसरा, हम नया टायर बनाते तो हम वापस से कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिशन करते और हम बहुत सारा तेल लगाते, बहुत सारा हमारे पास रॉ मटेरियल यूज करते टू मैन्युफैक्चर न्यू टायर, तो वो भी हमारे पास सेफ हो गया। देयरफॉर व्हेन यू गेट योर ओल्ड टायर रिट्रेडेड इंस्टेड ऑफ बाइंग ए न्यू वन, यू play a major role in saving precious natural resources. तो आप क्या करेंगे, यदि आप अपने पुराने टायर को रिट्रेड करके दोबारा से यूज करते हैं तो आप अपने एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं। ओके, देयर आर मेनी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ रिट्रेडिंग एज द रिट्रेडेड टायर्स आर लेस प्राइजी इन कंपैरिजन विद द न्यू वंस। तो मान लीजिए हम बात करते हैं एक नए टायर की, अभी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, करीब करीब 4000 रुपए का एक छोटी गाड़ी का, यानी कि स्विफ्ट या फिर डिजायर, इनका एक टायर आता है, लेकिन आप रिट्रेडिंग करते हैं तो आपका खर्चा 1200-1500 से ज्यादा नहीं आता है। सिमिलरली यदि आप बड़े टायर्स की बात करेंगे, बसेस की टायर की बात करेंगे, एक एक टायर आपका 18-18-20-20 हजार रुपए का आता है, लेकिन रिट्रेडिंग आपकी उससे 1/4 रेट में हो जाती है, तो इट इज मोर इकोनॉमिकल। दिस डेफिनेटली हेल्प यू सेव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए, जहां पर लार्ज स्केल की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपके पास 500 या 1000 ट्रक काम करते हैं, तो आप नए टायर खरीदें हर 80,000 1,00,000 किलोमीटर के बाद, या आप उन टायर्स को रिट्रेड करके आप यूज करें तो आपको बहुत इकोनॉमिकल फायदा होगा। ओके, यू कैन रिट्रेड योर ओल्ड टायर्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस एज दिस हेल्प यू टू सेव मनी 40% ऑफ योर मनी एवरी टाइम, बिकॉज इफ यू गो फॉर अ न्यू सेट ऑफ टायर्स इट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट डबल ऑफ द प्राइस ऑफ द रिट्रेडेड वन।
ठीक है, तो आप एक ही टायर को क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार रिट्रेड करा सकते हैं, यदि आप उसको अच्छे से यूज करते हैं तो आप उसको दो या तीन बार भी आप उसको रिट्रेड करा सकते हैं, बार बार उस पर ट्रेड लगवा सकते हैं, तो इससे आप लगभग 40% अपना पैसा सेव कर पाएंगे। ओके, रिट्रेडेड प्रोसेस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग लार्ज चंक्स ऑफ रबर्स ऑन द रोड एंड हाईवेज। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज इट हैपेंस ड्यू टू अब्यूज लाइक टायर फेलियर्स caused by road hazards, tire blast and overloading of both new tires and retreaded ones. तो क्या होता है, जो retreaded process है उससे फायदा क्या होता है कि आप बहुत सारे टायर के जो chunks हैं, बड़े बड़े भंडार हैं, उनको फेंकने से बचाते हो, उनको किसी तरह से road hazards हैं उनमें कमी आएगी आपके पास में, ठीक है, तो it is indirectly again the same point which we have discussed above. Then the last one is retreading allows tire to perform same as new tire, adding extra mileage to your tire life. The casing can be reused and new treads can be added twice or thrice depending on the. It's again the same thing कि आप दो तीन बार यूज कर सकते हैं और इससे क्या होता है आपके पास माइलेज बढ़ जाता है टायर की, एक ही टायर को आप कई बार यूज कर पा रहे हैं, so it will increase the life of this. यदि हम बात करें इसके disadvantages की कि टायर retread करके हमको नुकसान क्या क्या है, तो retreading tires are generally a lot less expensive than the new ones, ठीक है? However, after the budget tire have come into play, the scenario has changed to a larger extent. Now it seems that budget tires are even less expensive than the retreaded ones, and as they are freshly made tires, they obviously have better quality than the retreaded tires. Hence, a customer is more likely to prefer budget tires to retreaded ones. Okay, तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि हमारे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे नए टायर्स हमारे को रिट्रेडेड टायर से सस्ते पड़ने लग गए हैं, क्योंकि रिट्रेडिंग की कॉस्ट हमें ज्यादा मिलने लग गई है, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, जो टायर जो ड्राइवर है वो क्या प्रीफर करेगा कि वो एक नया टायर खरीदना प्रीफर करे, क्योंकि उसके अंदर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल फ्रेश है। यदि आप रिट्रेडेड टायर यूज कर रहे हैं तो उसमें पहले ही आपकी दो साल चार साल पहले ही पुराना टायर हो चुका है, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिग्रेड हो चुकी हैं, हर चीज की कारकस की हो चुकी है, ट्रेड की हो चुकी है, अंदर के वायर बीट की हो चुकी है, तो इसीलिए वो प्रीफर करते हैं कि हम लोग क्या करें, नया टायर खरीद लें इररिस्पेक्टिव ऑफ रिट्रेडिंग द ओल्ड वन। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इन रिट्रेडिंग अ न्यू लीज ऑफ रबर इज पुट ऑन द केसिंग ऑफ अ वॉर्न आउट टायर विदाउट चेंजिंग द कॉर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं कि रिट्रेडिंग में क्या होता है, आप सिर्फ बाहर की ट्रेड को चेंज करते हैं, लेकिन अंदर का जो आपके पास में जो केसिंग थी, कारकस था, वो आपका सेम रहता है, ठीक है, और वो भी तो डैमेज हुआ है चार सालों में, पांच सालों में, तो वो वही रहता है। हेंस द क्वालिटी ऑफ रिट्रेडेड टायर ऑलवेज स्टेज अ लॉट डाउन देन दैट ऑफ द न्यू टायर्स, नो मैटर हाउ वेल इट वर्क आफ्टर रिट्रेडिंग, देयर हैज बीन सम इश्यूज विद द रिट्रेडिंग टायर्स। तो देखिए, कितने भी अच्छे से रिट्रेडिंग कर लें, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज नए टायर के रेस्पेक्ट में डिग्रेडेड होती है, क्योंकि उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो तो पुराने वाले ही टायर का हम यूज कर रहे हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है आपका कभी कभी, और कई तरह के हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं कि रिट्रेडेड टायर में हमारे पास कई तरह के एक्सीडेंट अकर हुए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है रिट्रेडेड टायर्स के साथ में। ओके, तो प्रोसेस में मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में प्रोसेस समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द केसिंग्स, तो हम क्या करते हैं, बाजार से जो भी वॉर्न आउट टायर्स हैं उनको फटाफट से कलेक्ट करते हैं। देन सेकंड इज इनिशियल इंस्पेक्शन, इनिशियल इंस्पेक्शन का मतलब होता है विजुअल इंस्पेक्शन, हम क्या करते हैं उनको देखते हैं, और जो इसमें काम करते हैं जो टेक्नीशियंस होते हैं वो पूरे टायर को चारों तरफ से चेक करते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करने लायक है या रिजेक्ट करने लायक है, यदि उसमें ज्यादा डैमेज है, ज्यादा कट्स हैं, तो वो उसको साइड में कर देते हैं, और यदि वो प्रॉपर कंडीशन में है, सिर्फ उसका टायर जो है ट्रेड वियर है, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन बफिंग आफ्टर इंस्पेक्शन, बफिंग का मतलब क्या है कि वो पूरी जो टायर है उसके ऊपर बफिंग करते हैं, उसमें से मैकेनिकली वो सारी जो पार्ट है उनको रिमूव करते हैं, लाइक जो ट्रेड के जो मान लीजिए कहीं से अनइवन ट्रेड आपका वियरिंग हुआ था, तो उसको पूरे को वो क्या करते हैं, बफिंग मशीन्स होती हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं पूरी पेरिफेरी पर और साइड वॉल्स पे उसको रिमूव करते हैं सारे मटेरियल को। देन फोर्थ इज सेक्शन रिपेयर एंड स्कीविंग, तो क्या करते हैं मान लीजिए कहीं पर उनने उसको पूरे को बफिंग कर दिया, फिर वो देखते हैं कहीं पे छोटा कट उनको नजर आता है, कहीं उनको सुराख नजर आता है, तो उनको वो क्या करते हैं रिपेयर करते हैं, उन पे मटेरियल लगा करके और उनको पैच वर्क करते हैं,
ओके, तो दैट इज कॉल्ड रिपेयरिंग एंड स्किविंग, देन सीमेंटिंग एंड फिलिंग। तो वो क्या होता है, जहां पर मान लीजिए बड़ा कट है, तो यदि वहां पर ग्रूव ज्यादा है तो वहां पर क्या करता है, फिलिंग किया जाता है। ओके, सो फिलिंग हैज टू बी डन, और फिलिंग करने के बाद क्या करते हैं, उस पूरे को हम लोग एक तरह से एक इवन शेप में ले आते हैं उस पूरे टायर को। ओके, और ये अंदर बाहर दोनों साइड भी किया जाता है, जहां पर भी आपको यदि टायर डैमेज दिख रहा है वहां पर आप क्या करेंगे, सीमेंटिंग एंड फिलिंग करेंगे। देन वी हैव बिल्डिंग ट्रेड रबर, तो क्या होगा, आप उसके ऊपर में जो ट्रेड है उसको चढ़ाएंगे। तो ट्रेड चढ़ाने से पहले आप क्या करते हैं, जब आपका पूरा टायर इवन हो चुका है तो उसके ऊपर में आप क्या कर रहे हैं, एक रबर ग्लू होता है उसको आप पूरे पर लगाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ड्रम्स आप जो टायर जो ट्रेड होता है उसको उसके ऊपर में पूरी पेरिफेरी पर चढ़ाते हैं। देन सेवेंथ इज एनवलपिंग एंड रिम माउंटिंग, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम एक उसको केसिंग में बंद करते हैं और पूरे टायर को हम क्या करते हैं, एक हाई प्रेशर देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ट्यूब, हम एक ट्यूब जैसा एक शेप होता है जिसके अंदर हम टायर्स को रिट्रेक्टेड टायर्स को बंद करते हैं और काफी हाई प्रेशर की एयर उसमें ब्लो करते हैं, जिससे वो जो ऊपर का जो आपके पास में नया वाला ट्रेड है वो टायर को बहुत तेजी से दबा के रखे, सो दैट इज कॉल्ड एनवलपिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी मूव इट फॉर क्यूरिंग, तो क्यूरिंग एक चैम्बर होता है जहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उन टायर्स को हीटअप किया जाता है। तो एक पूरी एक साइकिल होती है, उनका एक टेम्परेचर फिक्स होता है, लाइक 6 to 8 hours उनका टाइमिंग होता है, वहां पर हम उनको उसमें चैम्बर में डाल देते हैं लगातार, डिपेंड करता है कितना बड़ा चैम्बर है, वहाँ 6 टायर भी एक साथ आ सकते हैं, 12 टायर भी आ सकते हैं, उन सबको हम लोग अंदर ले जाने के बाद में और उनको बंद कर देते हैं, और उसके बाद हाई प्रेशर की हवा उसमें ब्लीड कराते हैं, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ क्यूरिंग हो जाती है, जो अंदर बॉन्डिंग है वो वापस से पहले जैसी हो जाती है, जैसे नए टायर में होती है, तो वो आपस में सब चिपक जाते हैं, जिससे कि आपका जो ट्रेड है वो अलग नहीं रह जाए। ठीक है, और जब फिर क्यूरिंग पूरी हो जाती है तो उसको वापस से निकाला जाता है, एंड देन वी विल गो फॉर फाइनल इंस्पेक्शन एंड पेंटिंग। तो हम जब निकाल लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं से कोई किसी तरह का डैमेज तो नहीं रह गया, या किसी तरह से आपका चिपकने में कोई कमी तो नहीं रह गई है, और जब हमें वो फाइनली सब तरफ से ओके दिखता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल पेंटिंग करते हैं कई कई जगह पर हम लोगों को, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है, तो हम लोग उसको वापस से वही शेप देते हैं जैसे नए टायर की होती है। तो साइड वॉल पे हम लोग ब्लैक कलर करते हैं, और जो ऊपर का ट्रेड है वो नेचुरली ब्लैक होता है, क्योंकि हमने नई लेयर लगाई होती है उसके ऊपर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी।